सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई ऐसे कि मैं अपना ये जो YouTube का स्टूडियो है ये चेक कर रहा था, और मैं गया एनालिटिक में, और यहाँ पर जाके मैंने देखा कि जो मोस्ट व्यूड वीडियो है लास्ट 28 डेज की, वो है प्रॉब्लम इन सेविंग वीडियो इन शॉर्ट एक वीडियो एडिटर है। तो ये सबसे ज़्यादा वीडियो देखी गई है, और मैंने चेक किया तो लास्ट 48 आवर्स में भी जो सबसे ज़्यादा वीडियो देखी गई है वो यही वीडियो देखी गई है। तो इस बारे में मुझसे काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं कमेंट्स में कि ऐसा क्यों होता है और उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन मैंने कईयों को बताया भी है, बट आई थिंक वो सोल्यूशन समझ नहीं पा रहे होंगे, या फिर मैं समझा नहीं पा रहूँगा। ईदर वे तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक व्लॉग बना देते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि हम कोई वीडियो बनाते हैं, तो जैसे कि ये मैंने वीडियो बना रखी है, अब ये 10 मिनट की एक वीडियो है। अब ये 10 मिनट की वीडियो जब हम बनाते हैं और इसको सेव करते हैं, तो उसमें कई ऑप्शन आते हैं, जैसे 1080p में आता है, 4K में आता है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, 1080 60 फ्रेम पर सेकेंड में यूज़ करता हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम एयरप्लेन मोड ऑन कर देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस आए, कोई कॉल या कोई मैसेज आए। तो तो जब हम सेव करते हैं तो मैं नॉर्मली करता हूँ कि वह 60 फ्रेम पर सेकंड में करता हूँ, और एस्टिमेटेड जो साइज़ है, यानी कि ये लगभग 2 GB के अंदर अंदर ही है। लेकिन जब इसको हम सेव करेंगे तो ये एरर देगा, क्लियर स्पेस ऑन योर फ़ोन। हमको अभी 6235 MB की जो स्पेस है वो इंटरनल स्टोरेज में चाहिए, तभी ये जो सेव करेगा। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हमारे पास इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक तो वीडियो की क्वालिटी भी जो हाई HD पर होती है, हाई डेफिनेशन पर होती है। उसके अलावा हम इसमें बहुत सारे फिल्टर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब इस जो ये वीडियो का साइज़ ही 2 GB से कम है, तो इसको इतना डेटा क्यों चाहिए? तो ये इसका इंटरनल प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपके वीडियो की लेंथ जितनी है, उतना ही GB की मेमोरी आपके इंटरनल ड्राइव में, फ़ोन के इंटरनल ड्राइव में होनी चाहिए। अब कुछ फ़ोन ऐसे भी होते होंगे जिसमें इंटरनल ड्राइव भी होती है और एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड भी डलता है। तो आपका अगर मान लो कि 32 GB का इंटरनल है और 32 GB का एक्सटर्नल है, इंटरनल में आपके 30 GB भर चुके हैं, 2 GB बचा हुआ है, और आपके पास एक्सटर्नल में जो मेमोरी कार्ड में 32 GB पड़े हैं, तो भी ये सेव नहीं करेगा, क्योंकि इसको इंटरनल मेमोरी में उतनी स्पेस चाहिए। तो फॉरगेट अबाउट एक्सटर्नल मेमोरी, आपके इंटरनल मेमोरी जो फ़ोन की है उसमें आपको उतना GB का मेमोरी होना चाहिए जितनी GB की आपकी वीडियो की लेंथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा है ये वीडियो, ये है 10 अप्रॉक्स 11 मिनट का मान के चलते हैं। तो मेरे पास 11 मिनट का है वीडियो, और मेरे पास अभी जो मेमोरी बची है वो बची है 5.74। तो मुझे यहाँ पर जो मेमोरी है वो करनी पड़ेगी लगभग 11 GB की खाली। अगर मैं इसको सेव भी करता हूँ, जैसे मैंने इसको सेव किया, तो ये मुझे बोल रहा है कि 6 GB 6.2, तो 6 × 5 = 11 तो हो गए यहाँ पर। तो मुझे कम से कम ऑन अ सेफर साइड 12 GB का डेटा जो होगा वो खाली रखना पड़ेगा अपने फ़ोन में। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो मैंने कुछ वीडियो अभी रिकॉर्ड की थी, तो मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये हो गई, ये नहीं, ये वाली, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो लेट्स से कितनी बनती हैं, 2 मैंने वो डिलीट कर दिए फाइल्स। अभी यहाँ पर जो मेमोरी है वो 5.16 ही शो कर रहा है, तो मुझे यहाँ से जो रिसेंट डिलीटेड फाइल है वहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी सारी। तो उसको हम कर देते हैं एम्प्टी। तो गाइस, मैंने डिलीट फोल्डर से सारी फाइलें हटा दी है, सारे जितने भी वीडियोस थे वो हटा दिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे फाइल मैनेजर में मेमोरी कितनी आ गई है। तो अभी हमारे पास जो फाइल मैनेजर में मेमोरी है वो 12.73 GB है, जो कि हमारे लिए बहुत है। अब हम इन शॉर्ट में चलते हैं, हमारी जो वीडियो की लेंथ है अभी भी 10.22, यानी 10.5 मिनट की है। अब
सेव करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सेव हो पाएगी या नहीं। तो हमने सेव करना है, सेम फ्रेम रेट यूज़ करना है 60 फ्रेम पर सेकेंड 1080p में एंड देन सेव। तो ये हमारा सोल्यूशन है और ये हमारा जो सोल्यूशन है वो एकदम परफेक्ट 100% वर्किंग है। आपके वीडियो की लेंथ इन शॉर्ट में जितनी भी हो उतने GB का डेटा आपके इंटरनल मेमोरी में होना चाहिए। अब देखो मेरा ये जो फाइल है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, कन्वर्टिंग वीडियो 1% हो गया है। तो अगर 11 मिनट की आपकी वीडियो की लेंथ है तो आपके मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी में एटलीस्ट 12 GB का फ्री डेटा होना चाहिए। गाइस आई होप कि आपको ये इनशॉट की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ये समझ में आ गया होगा ठीक से। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं और कोशिश करूँगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और इसके साथ एक चीज़ और है कि जो मेरी वीडियोस होती है उसमें जो व्यूअर्स होते हैं वो अगर मैं देखूँ तो 6% के कुछ लगभग होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दबा के जाया करिए, क्योंकि ये दो चीज़ें होती हैं जिनसे मोटिवेशन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो और नई नई वीडियो बनाने में जो मज़ा आता है वो और ज़्यादा हो जाता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आए हो तो लाइक और शेयर करके और सब्सक्राइब का बटन दबा के ज़रूर जाइए। तो ये वीडियो रखेंगे हम यहीं तक, जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।